जनता के बीच में मुद्दों को लेकर नहीं जा रही हूँ, उनके दर्द और दुख को लेकर जा रही हूँ। जो वो इतने दुखी हैं, जो हमारे दलित शोषित बहने हैं, भाई हैं, जो बहुत दुखी हैं, जिन तक सारी सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए थी। हमारे मुखिया बिहार सरकार के नीतीश जी, उन्होंने 7 निश्चय योजना चलाई। कहाँ तक योजना सफल है? आप लोग भी मीडिया बंधु हैं, आप लोग भी गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं, देखते हैं कितने योजनाएं सफल हैं। विगत 5 सालों में जो विकास होना चाहिए लोकसभा क्षेत्र जी, वो विकास हुआ है कि नहीं? सांसद मत से कितने काम हुए हैं आपकी नजरों में, और हर जगह कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको? हर जगह तो हम तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम तो चाहते भी नहीं है कि उन लोगों का नाम लें और उन लोगों के बारे में कुछ कहें, क्योंकि मैं तो यही कहूंगी ना कि हमारे जिला के वो भी हैं। तो ये तो हमारी जनता जनार्दन ही इस विकास के बारे में जवाब देगी, और जो उन्होंने विकास किया है वो सबके सामने है। उन्होंने अपने सिवान जिला का जो उनको 50 करोड़ हुआ, 10 साल वो हैं सांसद, 50 करोड़ हुआ ना, 5 करोड़ हर साल का मिलता है, तो 50 करोड़ में आज हमारा सिवान कहाँ से कहाँ गया रहता। अगर आज वो तहे दिल से सिवान के जनता जनार्दन की सेवा किए रहते, उनके बारे में सोचे रहते, हॉस्पिटल की व्यवस्था सही किए रहते, हर गरीब दुखियारे को वहाँ पे हॉस्पिटल में दवाएं मिलती, जो ब्लॉक पे हॉस्पिटल है उन्हें भी वहाँ पे डॉक्टर मुहैया होता, और जो सरकारी योजना के तहत वहाँ दवाएं आती हैं वो भी वहाँ पे मौजूद रहता और हमारे गरीब दुखियारों को मिलता, तो आज हमारे गरीब दुखियारे के आँख से आंसू नहीं गिरता। और हमारे जिले का जो हक हकूक का जो फंड आता है काम करने के लिए, वो दूसरे जिले में उन्होंने दिया है, तो क्यों दिया है? उन्होंने वो अपने सिवान जिला को इतना ज्यादा विकसित कर दिया कि यहाँ पे काम की कोई जरूरत ही नहीं थी, पैसे लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, और उठा के उन्होंने दूसरे जिलों को दे दिया। तो ये है विकास। और आने वाले दिन में देखिएगा कि अगर हम लोग चुनाव जीतते हैं, ये जो चुनाव है लोकसभा का, ये मेरे ख्याल से सिवान की जनता का चुनाव है, और जनता ही इस चुनाव को लड़ेगी और वही जवाब देगी आने वाले दिन में। अगर हम लोग जीतते हैं तो देखिएगा कि एक महिला का दावा है कि हम कैसे और कहां से विकास का काम शुरू करेंगे, और कैसे अपनी दलित शोषित और पिछड़ों के कंधे से कंधे मिलाकर, और उनकी मैं आवाज बनकर, उनकी मैं सेवा करूंगी।